waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Hi guys, this is Pallavi. Welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में मैं आपको टूर कराने वाली हूँ सिटी पैलेस उदयपुर का. यस, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो वो जानते होंगे कि जनवरी में मैं अपनी फैमिली के साथ उदयपुर ट्रिप पे गई थी. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स. एंड सो उस ट्रिप्स के कुछ वीडियोस, लाइक कुछ स्नीक पीक्स मैंने शेयर किए थे. आई गेस दो वीडियोस शेयर किए थे आप लोगों के साथ. बट देन ड्यू सम इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी वर्क एंड सम अदर स्टफ इन लाइफ, मेरा वो उदयपुर सीरीज थोड़ा बैक सीट ले लिया था. बट नाउ आई प्रॉमिस, यस, मैं एक एक करके वो सारे वीडियोस रिलीज करने वाली हूँ. ऑल दोज मस्टीज मस्सी प्लेसेस इन उदयपुर जो भी है, उसके जो भी हम लोगों ने कवर किया था, मस्ती देखा था एंड जो जाना चाहिए, वो सारे एक एक करके आप तक पहुँचाऊँगी. सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर, आकर्षक, यू नो वेरी ब्यूटिफुल, ग्रैंड, लग्जीरियस, फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में बनाया गया है द सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर. सो देर किस बात की, चलिए देखते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहती हूँ. सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो साइड में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसे अगर आप प्रेस कर दोगे तो मेरे वीडियोज़ जैसे ही अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, आपको वैसे ही फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड वो बिल्कुल फ्री है. ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस. और ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं बड़ा सा गेट, वो सिटी पैलेस का एंट्रेंस गेट है. एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट, लाइक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टिकट बुकिंग काउंटर है. सो सिटी पैलेस देखने के लिए आपको टिकट्स बुक करने पड़ते हैं. और एडल्ट्स के लिए ये 300 रुपीज़ है और सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा डिस्काउंट है, इट इज़ 200 रुपीज़. चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स आर फ्री, चिल्ड्रेन अबव द एज ऑफ 5 ईयर्स आर चार्ज 100 रुपीज़. और सीनियर सिटीजन्स के कंसेशन के लिए आपको उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड या वगैरह सब दिखाना पड़ता है वहाँ. सो ये सिटी पैलेस का जो एंट्रेंस गेट है, इसको बड़ी पोल के नाम से बुलाया जाता है. और सामने जो आप तीन गेट्स दिख रहे, उनको त्रिपोलिया गेट बोला जाता है. दे सिग्निफाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर. सो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं सिटी पैलेस. दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रैंड लग्जीरियस महल काइंड, जो कि बहुत फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में बनाया गया है, इंक्लूडिंग बोथ मुगल एंड यू नो राजस्थानी आर्किटेक्चर. सो ये जो सिटी पैलेस है, वो जब बनाया जा रहा था उसी टाइम पे उदयपुर सिटी को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा था. एंड ये महाराणा उदय सिंह 2 ने किया था. एंड ये पूरा, लाइक ये पूरा सिटी पैलेस को बनते हुए लाइक ऑलमोस्ट 400 ईयर्स लग गया था. सो कैन यू इमेजिन कितने सारा महाराणाओं ने यहाँ पे रहा होगा, यहाँ से रूल किया होगा. तो इसीलिए सिटी पैलेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक लैंडमार्क है. तो यहाँ पे सारे राजाओं के नाम और उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में लिखा गया है. सो जैसे महाराणा उदय सिंह 2 हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेक दिस सिटी पैलेस ऑल्सो एस्टैब्लिश उदयपुर, जिनके नाम से उदयपुर सिटी है, उनके बारे में गाइड बता रहा था. प्लस महाराणा प्रताप सिंह, जिनका एक्चुअली कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है, एक्सेप्ट दैट ही हैड फॉट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी. ओके, तो सबसे पहले सिटी पैलेस में ये राय आंगन बनाया गया था. और जो साधु जी ने सजेस्ट किया था, वो इनकी प्रतिमा सामने है. इन्होंने ही उस महाराजा उदय सिंह को सजेस्ट किया था कि सबसे पहले राय आंगन बनाया जाए सिटी पैलेस में. सो ये एक डोनेशन हुंडी है. लाइक जब भी क्राउनिंग सेरेमनी होती थी तो यहाँ पे डोनेशन सारे कलेक्ट किए जाते थे. दिस इज़ ब्यूटिफुल, राइट? यस. सो यहाँ पे होली खेला जाता है. राजा अपने सारे जो भी उनके थे करीब रिश्तेदार, उनके साथ यहाँ पे होली खेलते थे. एंड आज के डेट में भी अगर आप पैसा देते हो, लाइक टिकट्स खरीदते हो, लाइक इट इज़ अराउंड 5,000 रुपीज़ एज सेट बाय माई गाइड, तो आपको यहाँ पे राजा लोगों के साथ होली खेलने को मिलता है. सो करेंटली इट इज़ द 23rd जनरेशन विच इज़ गोइंग ऑन.
एंड वो राजा भी यहाँ पे रेसाइड करते हैं सिटी पैलेस में, तो आप टिकट्स खरीद के उनके साथ होली खेल सकते हो। दिस इज महाराणा फतेह सिंह जी, एंड इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। सो हिस्ट्री तो इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैं सब कुछ नहीं शेयर कर सकती इस वीडियो में। आई विल जस्ट शेयर सम ब्यूटिफुल ग्लिम्सेस ऑफ सिटी पैलेस, तो कि आप जल्दी से जल्दी सिटी पैलेस उदयपुर देखने का प्लान करें। उदयपुर इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। ये सारी कुछ कुछ खिड़कियाँ हैं, कुछ कुछ जगह है जहाँ से उदयपुर सिटी का बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू मिलता है। सो ये शीश महल है, यहाँ पे सारी चीज़ें कांच से बनी हुई है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आई डोंट नो आज के डेट में ऐसा कोई बनाएगा भी क्या। सो सिटी पैलेस के इर्द गिर्द भी जितनी भी इमारतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक मानी जाती है। लाइक यहाँ पे ऐसा है कि सारे सीजन्स के हिसाब से एक एक बिल्डिंग बनाया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे बारिश के दिनों के लिए मॉनसून पैलेस बनाया गया है, जब गर्मी आ जाती थी तो ऐसे जग मंदिर एक है यहाँ पे जो कि लेक के अंदर है, लेक पिचोला के अंदर है। सो लेक पिचोला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स इन उदयपुर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ऐसे भी उदयपुर इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स, तो यहाँ पे आपको हर दूसरे गली पे आपको लेक देखने को ज़रूर मिलेगा एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इनफैक्ट लेक पिचोला के इर्द गिर्द ही आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखने को मिलेंगे। सो अभी के जो करंट राजा है सिटी पैलेस के, वो अभी भी यहाँ पे जस्ट सिटी पैलेस के साइड पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे वो रिसाइड करते हैं, उनकी फैमिली रिसाइड करती है। एंड ये सिटी पैलेस के देखरेख में जितने भी पैसे खर्च होते हैं, स्टाफ वगैरह, उनके मेंटेनेंस वगैरह, वो जो हम टिकट्स देते हैं उससे ही सब चीज़ों का मेंटेनेंस किया जाता है। एंड इनफैक्ट ये पैलेस प्री वेडिंग, वेडिंग फंक्शंस को के आयोजन के लिए भी भाड़े पे दिया जाता है। इफ़ यू रिमेम्बर 2018 में अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी सिटी पैलेस उदयपुर में हुई थी। सो ये जो सामने है ये मोती महल है। जो भी इवेंट्स वगैरह होते थे सिटी पैलेस में राजाओं के टाइम पे, तो रानियों को डायरेक्ट देखने की अनुमति नहीं थी। वो हमेशा से राजस्थान में पर्दा सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, तो वो लोग यहाँ कांच से ही ऊपर बैठ के यहाँ कांच के थ्रू से सारे फंक्शंस का मज़ा लेती थी। ये एक्स्ट्रा एक रूम है जो कि अगर उनको कुछ टच ऑफ मेकअप वगैरह करना रहता था तो वो यहाँ एकत्रित होके करती थी। और इसके बाजू पे लग के जो आपको जगह दिखाई दे रही है वो एक्चुअली जो भी गेस्ट आते थे उनके विश्राम के लिए वो रखा गया था। सो यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारी बहुत बॉलीवुड फिल्में फिल्माई गई हैं, जैसे कि जवानी है दीवानी। इनफैक्ट जेम्स वॉट सीरीज की ऑक्टोपुसी जो कि 1983 में बनी थी वो भी यहाँ पे फिल्माई गई थी। और यहाँ पे इस जगह पे मास्टर शेफ का भी कोई प्रोग्राम आयोजन किया गया था, जो फिनाले होता है वो आई डोंट रिमेम्बर द ईयर्स बट कुछ प्रोग्राम आयोजन किया गया था। सो अभी आप यहाँ से मैं बहुत ही ऊपर पे हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक सो नॉट अ टॉप फ्लोर, बट ऊपर से हम लोग नीचे वो देख रहे हैं उसके लॉन एरिया को एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं कितनी बारीकी सी सब चीज़ें इतने पुराने ज़माने में बनाई गई हैं। सो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। तो यहाँ पे पापा और मैं हंस-हंस के यही बात कर रहे थे कि इतनी सारे कमरे हैं, छोटे 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 छोटे, कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ कौन सा रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सो कंफ्यूजिंग, और वो लोग कैसे हैंडल करते थे उस जमाने में पता नहीं। एनीवेज ये सामने जो देख रहे हैं ये सन गॉड बनाया गया था। एक्चुअली उस जमाने में अगर बारिश नहीं बारिश के कारण सूर्य देवता नहीं आते थे तो उन लोग इन गाँव वाले और राजा लोग इनको ही देख के प्रेयर कर लेते थे।
उस जमाने में ये चीज तो था कि राजा लोग अपना महल जितना सुंदर आकर्षण बनाते थे उतना ही फीका और बहुत ही सिंपल सा महल रानियों के लिए बनाते थे। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये डिफरेंस क्यों किया जाता था उस टाइम पे, बट हमारे गाइड ने बताया कि ताकि कोई भी चमकता या कुछ भी खूबसूरत देख के दुश्मन अटैक ना कर दे और रानियाँ सेफ रहे, इसीलिए उनके महल को थोड़ा फीका ही बनाया जाता था कि नज़र ना पड़े। ये जो एरिया है ये इनके डाइनिंग हॉल एरिया है, उस जमाने में भी कितना आलीशान था। और ये जो इसकी गेट बनाई गई है वो हाथी के दांत से बनाई गई है। मैं जब पहले ये वीडियो बना रही थी सिटी पैलेस, इट वॉज टेकिंग मी अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ पुटिंग ऑल द डिटेल्स एंड आई थॉट कि इतना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसकी हिस्ट्री इतनी रिच है, इतनी वास्ट है एंड ऐसे बताने भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप उसको आंखों से देखोगे, वहाँ जाके महसूस करोगे, तभी आपको वो फील आएगी। सो इट्स जस्ट टू गिव जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट द सिटी पैलेस एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इसके अंदर जो हैं उसको मैंने कवर करना चाहा है एंड आप तक पहुँचाना चाहा है। अभी जो भी आप देख रहे हो ये सारे म्यूजियम टाइप रखे गए हैं, लाइक ये जो आप देख रहे हो हार है रानियों के पहनने का, उस जमाने में बाप रे कितने भारी भारी हार है। ये घोड़े का कैरेज है सामने उसकी जो साइड पे है, तो ऐसे सारी चीज़ें अभी रखी गई होंगी। खान पान की जो सिल्वर की आइटम्स थी वो सब सजाया गया है, देन फोटोज़ वगैरह उस टाइम के राजा उनके फैमिलीज की फ़ोटोज़ सब रखी गई है, तो उसकी डिटेल सारे नाम सबके मेंशन है। सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे से संभाल के मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे। एंड हम लोग अभी देख के बाहर आ चुके हैं, थोड़ा फोटो सेशन भी किया है हम लोगों ने अंदर में, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू सिटी पैलेस मेक श्योर आप फोटोज ज़रूर कीजिए। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस। मैं तो ज़्यादा ये आपके तक पहुँचाने के लिए वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, सो आई मिस्ड आउट ऑन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पिक्स, तो आप ज़रूर कीजिएगा। एंड ये एंट्री पे ही कुछ साइड में शॉप्स हैं राजस्थानी चीज़ों का, कपड़ों का, जूतों का, सिल्वर आइटम्स एंड ऑल, सो वो आप खरीद सकते हो सिटी पैलेस में, बट वो सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड देयर एंड बाय इन द लोकल मार्केट। सो ये था ऑल अबाउट द सिटी पैलेस। हम लोग ये बाहर आ चुके हैं, वी आर सिटिंग नियर द त्रिपुरिया गेट वेटिंग फॉर आवर कैब ड्राइवर। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट सिटी पैलेस उदयपुर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मैंने कोशिश की थी कि इस वीडियो को थोड़ा
क्रिस्प ब्रीफ ही बनाओ बिकॉज इट हैज़ गॉट सो मच हिस्ट्री, सो मच थिंग्स टू शो, सो मच थिंग्स टू नो. सो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हैं राजस्थान ट्रिप तो उदयपुर के लिए एक सेपरेट प्लान ही कीजिएगा बिकॉज दैट सिटी हैज़ गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू सी. इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है वहाँ का, लोग बहुत ही अच्छे हैं. द बेस्ट पार्ट इज़ लोग बहुत अच्छे हैं सही में. आई मीन ये बात मैं शायद भूल जाऊँगी बताना, दे आर सो वेलकमिंग, सो वॉर्म, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी. ऑल राइट गाइज, ज़रूर प्लान कीजिए उदयपुर ट्रिप, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए थ्रू कमेंट सेक्शन और माई इंस्टाग्राम ID. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.